हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्ट्रेटजिक स्टॉक्स। वेल, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ वीडियोज़ जो हमने बैक टेस्ट करी है। आप पॉज करके देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस टाइम वी आर बैक टेस्टिंग सुपर ट्रेंड प्लस आरएसएस स्ट्रेटजी गिवन बाय सीए अक्षता मैम। उनके 100K से भी ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि उनकी स्ट्रेटजी है वो कैसा रिस्पॉन्स दे रही है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, प्लस हम इसे स्टॉक्स में भी बैक टेस्ट करके देखेंगे लास्ट 5-6 ईयर्स के डेटाबेस में। और उन्होंने दो रूल्स बताए थे, दोनों रूल्स के हिसाब से हम बैक टेस्ट करके देखेंगे क्या इसमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं। सो लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। सो स्ट्रेटजी बड़ी सिंपल है एग्जीक्यूट करने के लिए। बाय रूल्स की अगर हम बात करें तो बाय रूल्स में क्या करना है आपको, बाय रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आरएसआई 14 जो है वो 60 के ऊपर होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ कंडीशंस देख रहे हैं, ये कंडीशंस वो हैं जहाँ पर आपका आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर है, इवन दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर इन कंडीशंस में आप बाय लेंगे। सेकेंड थिंग आपकी है, आप दो सुपर ट्रेंड लगाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सुपर ट्रेंड हैं, एक सुपर ट्रेंड की लेंथ जो है दैट इज सेटिंग्स में देखे तो एक की सेटिंग में एटीआर लेंथ 10 है और फैक्टर जो है 2 है, और एक की सेटिंग में एटीआर लेंथ 10 है और फैक्टर जो है 4 है। सो हम दो सुपर ट्रेंड्स लगाएंगे यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं। और हमारा बाय रूल्स प्रीटी सिंपल है, आपका जो है क्लोजिंग प्राइस जो है वो दोनों सुपर ट्रेंड्स के ऊपर रहेगा तभी आप बाय लेंगे। जैसे यहाँ पर बाय ले रहे हैं, सो सुपर ट्रेंड 1 एंड सुपर ट्रेंड 2 के ऊपर आपका जो है क्लोजिंग प्राइस रहेगा। दैट मीन्स सुपर ट्रेंड जो है वो अपना कलर चेंज करेंगे तभी आप जो है बाय लेंगे। देन विल टॉक अबाउट अनदर थिंग, उन्होंने टाइम फ्रेम कौन सा बोला है। उन्होंने फर्स्ट कैंडल को अवॉइड करने को बोला है, दैट मीन्स टाइम जो है वो 9:18 के बाद ही लेना है आपको। एंड फोर्थ थिंग है कि उन्होंने टाइम मना किया है कि 2 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो टाइम फ्रेम, नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आपका जो रहेगा, टाइम फ्रेम इज़ 3 मिनट्स, दैट मीन्स ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है। सो हम बाय लेंगे जब ये सारी कंडीशन मीट होंगी। सो जैसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि आपका आरएसआई 60 के ऊपर है, फर्स्ट रूल मीट हो रहा है। देन क्लोजिंग प्राइस जो है वो याद क्लियरली आप देखेंगे कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो दोनों सुपर ट्रेंड्स के ऊपर चल रहा है, और हमने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लिया है, हमने सेकंड कैंडल पे ही ट्रेड लिया है। तो ये भी मीट हो रहा है, ये भी मीट हो रहा है, और ये भी मीट हो रहा है। टाइम जो है 2 PM से कम है, और हमारा टाइम फ्रेम भी जो है 3 मिनट्स का है। सो इस पर एक बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है। सो इसमें हम फर्स्ट रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस क्या रखेंगे। स्टॉप लॉस इज़ बेसिकली जब आपका सुपर ट्रेंड दोनों में से कोई एक जो है कलर चेंज करता है, दैट मीन्स प्राइस उस सुपर ट्रेंड के नीचे आता है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं एंट्री यहाँ ले रहा हूँ तो स्टॉप लॉस मेरा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि आपका प्राइस जो है वो इस सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया है। तो दोनों में से किसी एक सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया अगर प्राइस, तो हम जो है बाय को एग्जिट कर जाएंगे। सो बेसिकली आप ट्रेडिंग व्यू पर देखेंगे तो कलर चेंज होगा सुपर ट्रेंड का, उस पर बेसिकली आप एग्जिट कर जाएंगे। सो इस रूल्स के साथ हम बाय लेंगे। एंड सिमिलरली इसमें शॉर्ट रूल्स भी सेम ही हैं। शॉर्ट रूल्स के लिए आपका आरएसआई जो है वो 40 के नीचे होना चाहिए, देन आपका दोनों सुपर ट्रेंड्स के नीचे आपका प्राइस पहुंच जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के नीचे से पहुंच गया है और आरएसआई जो है 40 के नीचे है, तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ले रही है। सो शॉर्ट एंड बाय प्रीटी सिंपल है। शॉर्ट में हम फर्स्ट बैक टेस्ट क्या देखेंगे, जब हमारा जो है सुपर ट्रेंड जो है वापस कलर बदलता है। जैसे यहाँ पर आपका जो है सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, तो हम यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे। तो इसमें अच्छा ट्रेड मिला है हमें, जहाँ हमने यहाँ एंट्री दी है शॉर्ट एंट्री, और यहाँ पर हमने कवर कर लिया है। सो इस स्ट्रेटजी को हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो लेट अस बैक टेस्ट दिस वीडियो। और अगर आपको रूल्स की और क्लैरिटी चाहिए तो आप मैम का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो लेट अस डू आवर थिंग, हम बैक टेस्ट करते हैं इसको। सो हमने स्ट्रेटजी ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है और हम 5-6 ईयर्स में बैक टेस्ट कर रहे हैं। हम बैक टेस्ट करने जा रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे, और हमने जो है 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम ले रखा है जैसा मैम ने बताया था, और हम लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों कर रहे हैं।
हम स्लिपेजेस एंड ब्रोकरेजेस काउंट कर रहे हैं और हम फ्यूचर का मार्जिन भी लेके चल रहे हैं। सो ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है, तो हम सेल में एग्जिट कर जाएंगे अगर हमारा जो है दिन ख़त्म हो जाता है। सो हिसाब से हमने कोड किया है। सो लेट अस बैक टेस्ट दिस। सो इंडेक्स में ये परफॉर्म नहीं कर रही बेस्ड ऑन आवर फर्स्ट कंडीशन, दैट इज एग्जिट हम करेंगे बेस्ड ऑन योर सुपर ट्रेंड कलर चेंज। तो इसमें ये काम नहीं कर रही और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि मैंने 6000 ट्रेड्स पे लगभग जो है बैक टेस्ट किया है। विनर्स मेरे 28% है और विनर्स ही काफ़ी कम है, तो ओवरऑल जो है परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है स्ट्रेटजी की। इसमें जो है ओवरऑल जो है आपका ग्राफ गिर ही रहा है। सो दिस डज नॉट वर्क एट ऑल। सो हम सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पर क्या होगी। सेकंड कंडीशन बड़ी सिंपल है, बाय रूल्स और सेल शॉर्ट रूल्स सेम रहेंगे, बट जब मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस यहाँ नीचे लो रख कर मैं 1:2 का रिस्क वार्ड लूँगा। दैट मीन्स अगर हमारा रिस्क इतना है, लेट्स से ये 10 है, तो हमारा रिवॉर्ड जो है वो 20 का होगा। सो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे हम बैक टेस्ट करेंगे इसको और देखते हैं कि उसमें रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। और सिमिलरली जो है शॉर्ट रूल्स में भी अगर मैं यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ इस पोजीशन पे, तो इस हाई पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूँगा और ये 10 पॉइंट्स का अगर मैं रिस्क है तो मैं रिवॉर्ड लूँगा 20 पॉइंट्स का। सो इस हिसाब से हम बैक टेस्ट कर रहे हैं 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे। लेट अस सी इसमें रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो लेट अस बैक टेस्ट दिस। सो आप यहाँ रिजल्ट देख सकते हैं, मैम की स्ट्रेटजी जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही है यहाँ पर भी। दैट इज रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:2 पे भी आपका जो है परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है स्ट्रेटजी में। हमने लगभग 6000 ट्रेड्स पे बैक टेस्ट किया है, बट फिर भी हम देख सकते हैं कि हमारे विनर्स बहुत ही कम है, विनिंग ट्रेड्स काफ़ी कम है, लूजर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एवरेज प्रॉफिट इज टू, आपका जो है एवरेज लॉस भी इतना अच्छा नहीं है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस स्ट्रेटजी की अच्छी नहीं जा रही है और ड्रॉडाउन तो काफ़ी ज़्यादा है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग। आप चार्ट देख सकते हैं यहाँ पर, परफेक्टली जो है स्मूथ ग्राफ है बट डाउनवर्ड्स ग्राफ है। सो इस स्ट्रेटजी में हमें पैसा नहीं लगाना चाहिए, हमें नुकसान ही हो रहा है। और इनफैक्ट किसी भी मंथ में इसमें परफॉर्म नहीं किया, मतलब ऐसी स्ट्रेटजीज मैंने कम ही देखी जो किसी भी मंथ में परफॉर्म ना करती हूँ। सो पैसा बचाइएगा अपना, हम सबके बारे में बता रहे हैं जो जो पॉपुलर हैं, सबकी स्ट्रेटजीज बैक टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम इसे स्टॉक्स पे भी बैक टेस्ट करके देखते हैं। सो मैं स्टॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ, F1 स्टॉक्स पे हम बैक टेस्ट करके देखते हैं इसको, क्या वहाँ स्ट्रेटजी काम कर रही है। सो लेट्स बैक टेस्ट दिस। सो स्टॉक्स में तो बहुत बुरी तरह से फेल हो रही स्ट्रेटजी, दैट मीन्स ये परफॉर्म नहीं कर रही स्ट्रेटजी। सो ओवरऑल जो है रिटर्न्स काफ़ी नेगेटिव आ रहे हैं। सो हमने इस पे जो है 38,000 लगभग ट्रेड्स पे बैक टेस्ट किया है और ये कम्प्लीटली फेल कर रही है वहाँ पर। सो हमने जाना कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, हम पैसे ना गवाएं इसमें। एक वीक पहले ही स्ट्रेटजी रिलीज़ हुई थी तो आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है, आप इसमें पैसा लगा कर मत पैसा गवाइएगा। इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग। कुछ ट्रेड्स देखकर हम जो है समझते हैं कि शायद बहुत अच्छा काम करे स्ट्रेटजी, बट ऐसा नहीं है, दिस डज नॉट वर्क। सो डू अवॉइड दिस स्ट्रेटजी। सो दैट्स इट एवरीवन। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है डू लाइक अस, सब्सक्राइब अस। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा बाय।